मुलींसाठी डेलिकेट आहे. आणि देवनी जेव्हा ही स्टोरी सांगितली आम्हाला, अतिशय भाऊक ह्या गोष्टीला आम्ही पडलो. मला वाटतं आम्ही 1.5 ते 2 तासात मीटिंग संपली आणि आम्ही देव बरोबर होतो. बाकी आम्हाला काही माहिती नव्हतं काय आहे काय नाही, पण देवनी जी स्टोरी सांगितली ही आईची आणि मुलाची स्टोरी आहे. नक्कीच महाराष्ट्र, महाराष्ट्राच्या बाहेर साऊथमध्ये सगळ्यात मोठं श्रेय असतं ते आईला असतं. आई प्रणाम. ह्या कुठल्याही जगामध्ये आपण तिचा शोक पूर्ण होऊ शकत नाही, ते देवनी दाखवलंय. देवनी आज जे काय सगळ्या आईंचं स्वप्न पूर्ण केलं त्याबद्दल देवला धन्यवाद आणि देवसाठी टाळ्या. आणि जे काय आज आमच्या इकडे जे काय सगळे सहकार्य, सगळे सर असू द्या किंवा दीपकजी असू द्या, तेडी आहेत इकडे, क्षितिजा आहेत, हे सगळ्यांचा ह्याचा सहभाग आहे. फक्त आमचा नाही आहे की तुम्ही सगळे ह्यामध्ये सामील व्हा आणि हा सुपरहिट सुपरहिट करावा, हीच इच्छा आहे आणि देवाकडे हीच प्रार्थना करतो. जय हिंद. नाव मिश्रा सारखी. सारे उपस्थित लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ. मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और बहुत इमोशनल और नर्वस फील कर रहा हूँ. पिछले 2.5 साल में कभी नहीं किया क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 2.5 साल हमारा चला लगातार. और सब लोग पूछते थे साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अभी कब रिलीज का नंबर आएगा, कब आपका रिलीज का नंबर आएगा. और हम लोग कहते थे कि नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी लाएं. और फाइनली आज वो जब मैंने अपना ट्रेलर देखा तो मैं उधर खड़ा होकर बहुत इमोशनल हो गया. तो मैं थोड़ा पीछे चला गया ताकि मेरी आंखों के आंसू ना दिखाई पड़े किसी को. और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका किसी को है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मैडनेस की वजह से सब हुआ है. वो है मिस्टर देव गिल, मेरा बड़ा भाई है. उसने इतनी मेहनत की कि मैं बता नहीं सकता. कई बार बीमार होते थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शूट हमने ऑन रखा. हम लोग पुणे की एक पहाड़ी पे लास्ट अपना शूट कर रहे थे और मॉर्निंग में होता क्या था कि सुबह 6 बजे एकदम ठंड होती थी और वो लास्ट फाइट बेयर बॉडी हमारे प्रवीण सर और देवगिल सर की, जो कुछ क्लिप्स आपने देखे भी. मैं दोनों लोगों को हैट्स ऑफ करता हूं कि बेयर बॉडी उतनी ठंड में कीचड़ में पानी में लौटते हुए उन्होंने फाइट पूरी की. तो दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से. और तीसरा मैं बोलता हूं कि बॉम्बे है ये सपनों की नगरी है और ये बात सच हुई, मेरे जीवन में भी सच हुई. जितने भी लोग फर्स्ट रो में बैठे हैं ज्यादातर बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आके अपने सपनों को उन्होंने यहां आके पूरा किया. और महाराष्ट्र की जो कहते हैं कि जो भूमि है इतनी पावन है कि उसने सबको स्वीकार किया, सबको मौका दिया, हम सबको मौका दिया अपने सपने पूरे करने का. और फाइनली एक सपना हमारा पूरा होने जा रहा है. 2017 में जब मैं बॉम्बे पहली बार आया तो किसी एक व्यक्ति का बहुत आशीर्वाद था और संयोग से वो आज यहां उपस्थित है. उनको देख के मैं बार बार भावुक हो रहा हूं. मैं चाहूंगा कि उनसे मैं मिलवाऊं क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ इनके संग आज खड़े नहीं होते. हमारे मिहिर सर, हमारे वार्ड रिगार्ड के सर और बाकी सब इतनी टीम से. तो मैं चाहता हूं कि एक बार बस मैं उनके दर्शन आप लोग को कराना चाहता हूं मेरे गॉड फादर डॉक्टर मंकज का. और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, बड़ा पद संभालते हैं. और कभी एक रॉ बच्चे को बॉम्बे घूमते हुए इन्होंने देखा था और उसको उठा के इन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया और आज उसकी वजह से हम लोग ये यहाँ पे खड़े हैं. तो सबसे बड़ा थैंक यू महाराष्ट्र की भूमि का, शिवाजी महाराज का और डॉक्टर संतोष मानकोसकर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. और उसके बाद जितनी भी हमारी टीम है, चाहे ऑर्को सर को देख रहा हूँ, प्रवीण सर को, तेजस्विनी मैडम को, मैं क्या बोलूँ, मतलब हम लोगों ने क्या है कि जब ये लॉकडाउन हुआ था तब इसकी शुरुआत सोची थी. तब दो कैरेक्टर हम लोगों की फर्स्ट नजर में फाइनल थे. एक तो प्रवीण तरडे सर को हमें लेना ही लेना, नो सेकंड थॉट, नो सेकंड ऑप्शन. और हम लोगों ने बहुत निवेदन किया तब वो तैयार हुए. और दूसरा तेजस्विनी मैडम का था कि जिनको हम लोग के अभिनय की प्रतिभा से वाकिफ थे. और मैं ये चाहता था कि ये अगर पैन वर्ल्ड लेवल पे अपनी प्रतिभा दिखाएं तो हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात होगी. और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की
तो दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी गुरु हमारे कोटी गारू हमारे डायरेक्टर हैं, हाँ दूसरा हमारे सबसे परम प्रिय रवि बसरूर सर बैठे हुए हैं। आपने केजीएफ में उनको देखा, आपने सलार में उनका बीजीएम देखा। पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि सॉन्ग से ज्यादा किसी का बीजीएम सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया, तो वो श्रेय रवि बसरूर सर को हमारे जाता है। और हमारी मूवी का भी उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, सॉन्ग दिए, वो बहुत जबरदस्त है। आप देखेंगे तो एकदम मंत्र मुग्ध रह जाएंगे कि वाह, मतलब मुंह से वाह ही निकलेगा। हम लोग के साथ तो यही हुआ। तो थैंक यू रवि बसरूर सर, आपने हम लोग की रिक्वेस्ट स्वीकार की और इस फिल्म का पार्ट बने। और बाकी सारे क्रू मेंबर को, स्पेशली कोटी गारू हमारे सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और जितने हमारे को प्रोड्यूसर थे, वो उसमें हुआ क्या कि हम लोगों ने जब पिक्चर स्टार्ट की तो तब भी कम लोग थे, और बाद में धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते कारवां बनता चला गया। तो मैं सबसे ज्यादा एक और थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे को प्रोड्यूसर्स को कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे विजन को सराहा और आज भी हमारे साथ बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द को प्रोड्यूसर्स ऑफ देवगिल प्रोडक्शंस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को भी बहुत थैंक यू कि वो आए और पेशेंस फुली हम लोग को सुन रहे हैं अच्छे से। मीडिया को थैंक यू वेरी मच, आप लोग पधारे हमारी रिक्वेस्ट पे। थैंक यू वेरी मच मीर जी, प्लीज। थैंक यू सो मच मीर सर। कभी माइक पर बोलायची सवय नाही आहे, पण हा मूवी देवगिल जी जेव्हा माझ्याकडे त्यांनी स्क्रिप्ट वगैरे सगळं सांगितलं त्यावेळेला ते सलाईन लावून आले होते हाताला, आणि जी मेहनत आणि जी लगननी त्यांनी या मूवीमध्ये सगळं एक्झिक्युशन आणि काम केलं आहे, आणि जी स्टारकास्ट आहे, प्रवीण सर, तेजस्विनी मॅडम, म्युझिक बॅकग्राऊंड म्युझिक रवी बसरूजी, तर एवढं सगळं चांगलं या मूवीमध्ये एलिमेंट्स आहेत, तर तुम्ही जरूर हा पिक्चर बघा, आम्हाला सपोर्ट करा। थँक्यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन्व्हाइट आवर को प्रोड्युसर्स हू कॅन जस्ट कम अँड यू नो grace the stage with their presence, please. Some of us are not here, but for those who are there, I will warmly invite them. Mrs. R.V. Mamata Raj ji, please come here. So my brother R.V. Yuvraj is not here today. His presence is immensely missed, his towering presence, if I may say so. Mamata ji will be representing Yuvraj, and she is our family, our support. To all the team, and especially Dev sir, and especially Ashwini ma'am. ये जो स्टार्ट है बेस मैंने ही देखा है, हमारे घर से स्टार्ट हुआ था, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द टीम, थैंक्स अ लॉट। एंड जो भी ऑडियंस आए हैं, फ्रेंड्स सर्कल आए हैं, प्लीज थैंक्स फॉर ऑल द थिंग्स, थैंक यू सो मच। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मेरा भाई है देव, ऑल द बेस्ट देव। को प्रोड्यूसर सिर्फ बंद कमरे में मेरे साथ झगड़ा करते, या स्टेज पे बात ही नहीं करते। नमस्कार, आई एम रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम बेंगलुरु, सो माय लैंग्वेज माय मदर टंग कन्नड़ा, सो टुडे पैन इंडिया मूवी अहो विक्रमार्का इज बीइंग रिलीज्ड इन बेंगलुरु ऑल्सो, एंड टीजर वॉज रिलीज, एंड ओनली आई कुड नोटिस वॉज द मदर लव टुवर्ड्स द सन, nothing else in this, only the mother's love there. She was looking, she was looking so happy, you know, emotionally she was connecting, and she was so happy. That happiness, I pray God, I'm a devotee of Lord Shiva, so Om Namah Shivaya, I would like to say that, and I bless the success for this movie, as I have seen they working so hard behind this. May the God fulfill all your dreams. And Aarti ji, as a producer, I feel very happy about it, and you will rock. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you. I'd like to call Aditi, Aditi Gaikwad, if she's here. Aditi and Sanket. And Dr. Swaroop Solunke. Okay.
So thank you, producers and co-producers, for boosting our morale and showing us the way ahead. Thank you so much. Joining us for this special trailer launch. ये कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो हमको पता है कि उसके पीछे पूरी टीम वर्क की बहुत हार्ड वर्क होती है, और स्पेशली इस टीम के जो कैप्टन हैं हमारे डायरेक्टर सर और देव, इनकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. मैंने तो सिर्फ एक गाना किया है फिल्म में, और जैसे कि आप सबको बताया अभी थोड़ी देर पहले, पुणे में शूट हुआ है ये एक, हम लोगों ने शायद फरवरी या जनवरी में शूट किया था लास्ट ईयर, और मैं तब से वेट कर रही हूँ. देव को पूछ रही थी कब रिलीज हो रहा है गाना. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सॉन्ग एंड ही इज लाइक कि होगा होगा, आई टेल यू. एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड, आई कांट वेट टू शेयर द सॉन्ग द मूवी विद यू गाइज. एंड हमने शूट किया था बहुत ठंड में, मैंने भी बहुत चार रात शूट किए बैक टू बैक, और भीग भीग के शूट किया था. बहुत मजा आया ठंडी में, बट हर एक शॉट के बाद मैं देखती थी कोटि सर और देव के चेहरे को, क्योंकि वो लोग मॉनिटर पे बैठ के देखते थे. कुछ तो डिस्कशन होता था, मुझे नहीं पता क्या, एक और करेंगे, बहुत अच्छा था, एक और करेंगे. तो ये जो परफेक्शन की जो खोज होती है ना, वो इंसान को कभी सेटिस्फाई होने नहीं देता. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो लकी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, थैंकफुल टू ऑर्को ऑल्सो. ऑर्को ने मुझे फोन किया कि आई एम डूइंग एन आइटम सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, ही सेड. And I'm thankful to Dev that he chose me, he gave me this opportunity to perform in the song, and I hope you guys will like it, and I really wish all the very best, because mujhe pata hai, maine khud bhi dekha hai ki bahut mehnat ki hai inhone. To shoot nahi kiya par wo char raat ye bhi baithe the set pe, ma'am bhi baithi thi set pe, itne thand mein bacche bhi aaye the, and I remember each and every one in the unit have put their blood and sweat in the film. So please, aap log aiyega, support kijiyega, and please movie dekhiyega. I'm sure you guys will be entertained. Thank you so much. Yes, thank you very much, Anil sir. Hindi, Marathi, ata Bharatacha pradeshik 5 bhasha tya chitrapat kasa anubhav kay sakal? Mala khup changla anubhav. Dev sahaban sir ki manto mala as a sandhi. Tumhi saglyanni aa cinema chitrapat bhal jao ma. Cinema khup sundar zala. Dhanyawad. येस धन्यवाद. आणि यानंतर मी विनंती करतो, आपण तसंच बोलवायचं का तेजस्वी मॅमला? कुठे गेले सर? रवी सर वैसाही बोलायला निघले. जेवढे प्रोड्युसर्स आज इथे हजर आहेत, आरती मिश्राजी, कुलकर्णीजी, UFO पॅनोरमा, आय थिंक देव तर आहेच प्रोड्युसर, पण आरती माझ्यासाठी जास्त प्रोड्युसर आहे. तर पण आणि सगळ्यात महत्वाचा माणूस या टीमचा म्हणजे कोटी गारू. मला वाटतं की मी देववरती नंतर येणार आहे, पण कोटी गारू विषयी बोलते. कुठलाही प्रोजेक्ट करतो आपण जेव्हा, किंवा कुठली फिल्म आपण जेव्हा बघतो, आता खरं तर लँग्वेज बॅरियर राहिलेलं नाही आहे, कारण आपण सगळे सगळ्या प्रकारचे सिनेमे बघतो, सगळ्या भाषांमधले सिनेमे बघतो. पण मला आनंद या गोष्टीचा, या टीम बरोबर काम करताना या गोष्टीचा आनंद जास्त झाला की कोटी गारूची ही लँग्वेज नाही, म्हणजे आमचा एक टेक तेलुगूमध्ये असायचा, एक टेक मराठीमध्ये असायचा. त्यांना फक्त त्यातले इमोशन्स कळत होते, त्यांना त्यातले एक्सप्रेशन्स कळत होते. म्हणजे जेव्हा जसा प्रॉब्लेम मला तेलुगूमध्ये संभाषण म्हणजे कुठलेही संवाद फेकण्यामध्ये झाला, तसा प्रॉब्लेम कदाचित त्यांनाही मराठीमध्ये असेल, कारण त्यांना अजिबातच ही लँग्वेज येत नाही. पण आमच्या क्षेत्राची गंमतच ही आहे की आमच्या क्षेत्रामध्ये ना इमोशन्सवरती ही अख्खी इंडस्ट्री, म्हणजे भारतीय चित्रपटसृष्टी जेवढी चाललेली आहे, ही इमोशन्सवरती चाललेली आहे. आणि हा चित्रपट सुद्धा मराठी, तेलुगू आणि इतर चार भाषांमध्ये रिलीज होणार आहे. तर तुमची जी कुठली भाषा असेल त्या भाषेमध्ये तुम्ही हा चित्रपट पाहा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. आणि देव विषयी सांगायचं तर मला कौतुक या गोष्टीचं आहे की देव हा पुण्यात वाढलेला मुलगा आहे, महाराष्ट्रातल्या भूमीतला मुलगा आहे, आणि कदाचित तो ही फिल्म फक्त तेलुगूमध्ये करू शकला असता, कारण याचे दिग्दर्शक स्वतः तेलुगू आहे, पण किंवा अजून कुठल्या लँग्वेजेसमध्ये करू शकला असता, पण तो पुण्यात वाढल्यामुळे, तो महाराष्ट्रात वाढल्यामुळे त्याला कुठेतरी असं वाटलं की मी महाराष्ट्राचं काहीतरी देणं लागतो, आणि म्हणून त्यांनी हा चित्रपट मराठीमध्ये सुद्धा केला. त्याच्यामध्ये खूप मराठी कलाकारांना काम दिलं,
संधी दिली, आम्हाला त्याच्यामध्ये आत्मसात केलं. तर याबद्दल देव तुझे खूप खूप आभार आणि खूप सर्व शुभेच्छा. मी आणि प्रवीण दादांनी आय थिंक पहिल्यांदाच या चित्रपटात एकत्र काम केलं. इंडस्ट्रीत तर आपण असतोच, म्हणजे कायम भेटतच असतो, पण काम करताना या माणसाबरोबर मला जी मजा आली आणि त्याच्यानंतर डबिंग करताना सुद्धा या माणसानी माझा परफॉर्मन्स इतका एलिव्हेट केलेला आहे फिल्ममध्ये, तर आज जे काही स्टेजवरती दोन चार शब्द माझ्याविषयी बोलले जात आहेत आणि बोलले गेलेत त्याच्यात खूप श्रेय प्रवीण दादाचं आहे. तर थँक्यू सो मच दादा. आणि कोटी गाल सर, मैं क्या बोलू आपके बारे में, म्हणजे लिटरली मला असं वाटलं की मूर्ती लहान कीर्ती महान हे करेक्ट यांना शोभणारं वाक्य आहे. अत्यंत सालस, अत्यंत साधेपणा, म्हणजे अख्ख्या क्रू मध्ये मला असं वाटतं आमच्याकडे खूप टेक्निशियन्स साऊथ मधनं आले होते आणि म्हणजे लिटरली इतका साधेपणा या लोकांमध्ये असतो आणि वेळेच्या बाबतीत इतकी वेळ व्यवस्थित पाळली जाते हे खरंच आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आम्ही शिकावं अशी गोष्ट होती आणि आम्हाला खूप मजा आली काम करताना ह्याच्याबद्दल. तुम्ही महाराष्ट्रात आलात, मराठी चित्रपट बनवलात, याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आणि तुम्हाला महाराष्ट्रामधल्या एका मुलीकडनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सगळ्यात मोठी गोष्ट काय केली या मंडळींनी, तर चित्रपट भारतातल्या 5 भाषांमध्ये येतोय, पण त्या चित्रपटामध्ये हिरोचं जे आराध्य दैवत दाखवलं ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्रातून पार तंजावर पर्यंत संपूर्ण साऊथ बेल्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य आहे, शहाजी महाराजांचं कार्य आहे. या चित्रपटाचं वैशिष्ट्य काय असं जर कोणी विचारलं तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे या चित्रपटाला मातीचा वास. या चित्रपटाला मातीचा वास आहे यासाठी की मातीचं म्हणणं काय असतं, माणसांचं म्हणणं काय असतं आणि मातृत्वाचं म्हणणं काय असतं या चित्रपटामध्ये अत्यंत ताकदीनं आमच्या कोटीगारूंनी दाखवलंय. तर कोटीगारू म्हणजे त्यांची बाकी ओळख माहीत नसली तरी सांगतो की राजामौली सरांबरोबर त्यांच्या पहिल्या पिक्चर पासून त्यांचे असोसिएट डिरेक्टर राहिलेले कोटीगारू, बाहुबलीचे असोसिएट डिरेक्टर. आणि या कोटीगारूंनी हा सिनेमा तितक्याच ताकदीनं पेलला, त्यामुळे मी या माणसाचे आभार मानेल आणि या दोघांचे आभार यासाठी मानेल की मी याच्यात विलन आहे. सबको मैं यहां थैंक यू कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम ही नहीं होता. सो थैंक यू इसके लिए. मैं पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. मेरे माता पिता ने मुझे जन्म पूना में दिया था और मेरे जो गुरु है SS राजमौली उन्होंने मुझे नाम हैदराबाद में दिया. तो ये मेरी शुरुआत है मधेरा से. ये हमारे डायरेक्टर पेटा कोटी, मैं इनको 14 साल से जानता हूं, फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स. और हम लोगों का एक अलग सा रिश्ता था. और बेसिकली जब आप साउथ में काम करते हो तो नॉर्मली देर इज वन रूल ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड हैविंग एन एसोसिएशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो जो भी आज तक मैंने जिनके साथ काम किया आज तक वो सब लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा बन चुके हैं. तो मैं मेरे साउथ की एंटायर इंडस्ट्री और मेरे सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर को थैंक यू कहना चाहता हूं. बिकॉज ऑफ देम आई एम व्हाट आई एम टुडे. और आई जस्ट स्टार्ट विद अ स्मॉल नोट. आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स मिस्टर अश्विनी कुमार मिश्रा. ये मुझे इनके बगैर ये सपना अधूरा रहता था. मिश्रा जी आई लव यू. बिकॉज ये जो जर्नी थी एक बहुत कठिन जर्नी थी टू फाइट अगेंस्ट असिस्टम लाइक यू नो इफ आई एम वर्किंग इन तेलुगु इंडस्ट्री आई हैड टू डू समथिंग इन मराठी विच वी डिडंट नो मच अबाउट मराठी सिनेमा. सो मिश्रा जी ने मुझे उस चीज में सपोर्ट किया. मेरे डायरेक्टर ने
मुझे बहुत सपोर्ट किया. और सबसे पहले आई वॉन्ट टू से राजबली साहब को जब हमने आइडिया दिया तो उन्होंने कहा कि तेरे माता जी का सपना यू शुड डू इट. और बिकॉज ऑफ माई मदर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरे महाराष्ट्र में और मेरे ऑल दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ महाराष्ट्र के दिग्गज आर्टिस्ट लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. थैंक यू मम्मी, बिकॉज ओनली ऑफ यू आई कुड मेक दिस. एंड आई वॉन्ट टू थैंक मिहिर, आई वॉन्ट टू थैंक समीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बींग देयर विद अस. मिस्टर विजय वॉट इज अड एंटरटेनमेंट, विजय जी मेरे हनुमान है, कभी भी मुझे कुछ हेलो. थैंक यू विजय जी, आई जस्ट टेल यू मैं ये जर्नी की कहानी सुनाता हूं. सबसे पहले जब हम लोगों ने ये लिखा था एंड आई वॉन्टेड टू डू अ मराठी फिल्म, तो सबसे पहले प्रवीण जी हाथ जोड़कर थैंक यू, विदाउट यू ये फिल्म नहीं हो सकती. इन्होंने जो लिखा है दमदार, बोलते ना एकदम दमदार एक्शन तो कुछ नहीं, ये आदमी ने वो सब किया है. मराठी इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट. वो जो हमारे भाई सलीम भाई बोलते हैं अंगार अंगार, एक्चुअल अंगार ये इंसान है. जब वो लिखता है उसमें सिर्फ आग निकलती है. तो प्रवीण जी विदाउट यू ये जर्नी इनकम्प्लीट है. थैंक यू. और हमेशा एक छोटा भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं, हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना. और इस फिल्म की सबसे पूजा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हीरो की मां, और उसको कास्ट करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. कुछ लोगों ने बोला था वील हैव एक्ट्रेस फ्रॉम हैदराबाद, कोटी सर ने कुछ ऑप्शंस किसी ने दिया फ्रॉम कर्नाटका, फ्रॉम चेन्नई, बिकॉज इट वाज अ पैन इंडिया फिल्म. बट इट वाज माय ड्रीम जो भी एक किरदार प्ले करेगा वो मेरी मिट्टी की होनी चाहिए, महाराष्ट्र की. और मुझे वो मौका मिला. हमारी तेजस्विनी जी, कैन आई होल्ड योर हैंड प्लीज, कम ऑन. आई वांट टू थैंक यू बिकॉज वो जो किरदार है बहुत खतरनाक किरदार था. उसका लुक एंड आई डोंट नो इफ यू कैन वॉच हर, शी हैड टू गो टू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. She had to be in mud, जो उन्होंने कभी नहीं किया था, बहुत मेहनत करना पड़ा था, and she has killed it. तेजस्विनी जी, thank you, आशीर्वाद दो, thank you very much, तेजस्विनी जी. I also want to say, these are the actors, please brother, you know, they didn't ask us, हमारा रोल क्या है, they said, भाई, we are working with you, but मैं इसी को नहीं, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मराठी एक्टर्स ने हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल है, छोटा रोल है बड़ा है. दे सेड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ यू. सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्ट. अब मैं शुरू करता हूं पहले हमारे म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर ओर्गो मुखर्जी से. ओर्गो थैंक यू ब्रदर, ही नॉर्मली स्पीक्स इन इंग्लिश बट मैं हिंदी में कहूंगा कि इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट. जब हमारे कोटी गारू और ओर्गो की मीटिंग हुई इस साउथ और ये लाइक कैलकटा, पूरा कुछ रॉन्ग ये चल रहा था, बट इस कॉन्वर्जेशन में दे क्रिएटेड अ मैजिक जो बहुत जल्द आप करेंगे. थैंक यू ओर्गो फॉर बिलीविंग मिस्टर कोटी गारू एंड देवगिल प्रोडक्शन. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर रवि बसरूर, ही इज सो बिजी. जब सल्लार, केजीएफ, अब कोई भी बड़ी फिल्म लो, जब वो इंसान काम करता है एक साल तक किसी को नहीं मिलता. ये मेरा सौभाग्य है, मेरी माँ का आशीर्वाद था कि मैं उनको मिल पाया सिर्फ 5 मिनट के लिए. उस 5 मिनट से